गजब याद आए, अजब याद आए, गजब याद आए, मोहम्मद रफी जी बहुत याद आए। स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफी की 40वीं पुण्यतिथि पर मुंबई की सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कपिल कला केंद्र की तरफ से बांद्रा पूर्व में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट और कपिल कला केंद्र की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। आरपीआई मुंबई के अध्यक्ष गौतम सोनाव ने और कला केंद्र अध्यक्ष कपिल देव खरवार ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले को एक पत्र देकर मोहम्मद रफी को भारत रत्न देने की मांग की। श्री अठावले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोहम्मद रफी ने अपनी मधुर आवाज के दम पर भारतीय फिल्मों को यादगार बना दिया है। संगीत के क्षेत्र में दिए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिलना ही चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मोहम्मद रफी को भारत रत्न का सम्मान साल 2021 में हर हाल में दिलाने का प्रयास करूंगा। तो मतलब आज मेरे पास हमारे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गौतम सोनाव ने और कपिल कला केंद्र के कपिल देव खरवार, तो इन्होंने मेरे पास एक मेमोरेंडम देकर मांग किया है कि मोहम्मद रफी बहुत बड़े जाने माने का गायक थे और हिंदी फिल्म सृष्टि को बहुत ही मजबूत करने का काम उन्होंने किया था। अपनी आवाज़ से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब अपने आवाज़ के माध्यम से बहुत सारी फिल्मों में गाकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा आनंद दे दिया था। और मोहम्मद रफ़ी बहुत बड़े गायक थे, तो इसलिए उनको मतलब मृत्योत्तर जो भारत रत्न किताब होता है, ये भारत रत्न किताब उनका मिलना चाहिए, इसी तरह की मांग मेरे पास की गई है। मैं आज फौरन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखने वाला हूँ और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे इनको भी एक पत्र लिखकर मोहम्मद रफी जी का जो नाम है ये भारत रत्न के लिए एक भारत सरकार की तरफ रिकमेंड करने के लिए उनको भी मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ। तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा दिलासा दे दिया था और इसीलिए मतलब मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये भी मेरी सूचना है, मांग है। और मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते मैं ज़रूर मतलब मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न मिलने के लिए ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। और इस साल में 2020 मतलब 2021 में उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, इसके लिए मेरी कोशिश जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत। भोजपुरी गायक अभिनेता धर्मेंद्र खरवार ने मोहम्मद रफी का गाया देश भक्ति गीत जहां डाल लाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत कर उपस्थित सभी अतिथियों और पत्रकारों को मोहम्मद रफी की याद ताजा करा दी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। समापन पर कपिल देव खरवार ने रामदास अठावले और गौतम सोनावने का दिल से आभार व्यक्त किया। मैं कपिल कला केंद्र के अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना आभार प्रकट करूंगा कि जिस मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने के लिए पिछले 35 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूं, उसको एक नया पंख मिल गया इस मांग को। जब मुंबई आरपीआई रिपब्लिकन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया ए के मुंबई अध्यक्ष भाई गौतम सोनोने जी ने इसको समर्थन दिया और उनके माध्यम से मैं यहां केंद्रीय मंत्री समाज कल्याण विभाग माननीय अठावले साहब के पास पहुँचे और उन्होंने इस मांग को, दोनों लोगों की मांग को, कपिल कला केंद्र और आरपीआई की तरफ से दोनों लोगों को सामूहिक रूप से
प्रधानमंत्री को लिखने के लिए वादा किया है, मैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। गजब याद आए, अजब याद आए, गजब याद आए। मुंबई से CEN न्यूज के लिए राज पांडे की रिपोर्ट। जी बहुत याद आए।